नमस्कार, मैं प्रिया। आज 6 अप्रैल, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बीते रात 9 बजे देखने को मिला प्रकाश की एकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार बीते रविवार की रात 9 बजे सभी आम नागरिकों ने अपने घर के बाहर, किसी ने बालकनी से तो किसी ने छत पर जाकर प्रकाश की एकता दिखाई, जिसके बाद एक बार फिर से भारत के लोगों ने यह साफ कर दिया कि कोरोना को हराने के लिए हम सब एकजुट है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद विपक्षी दलों ने काफी ज्यादा आलोचना की थी, मगर लोगों ने प्रधानमंत्री का आदेश मानकर जनादेश को भी दर्शा दिया। पटना जंक्शन के पास के होटल को किया गया बंद। पटना जंक्शन के पास स्थित होटल को बंद कर दिया गया है। खबरों की माने तो इस होटल में कुछ दिनों पहले यहां पर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के ठहरने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद इस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 6 लोगों को जांच के लिए NMCH में भेज दिया गया। वहीं पटना जंक्शन के पास इस होटल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और इस होटल में ठहरे सभी लोगों को कोरोना टेस्ट करवाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सिवान जिले का रहने वाला यह व्यक्ति कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वहीं जांच में यह पता चला कि वो पटना जंक्शन के पास स्थित होटल में भी ठहरा था। पटना के इस नर्स ने पास की कोरोना की परीक्षा। कोरोना वर्तमान समय में भारत के कई राज्यों में बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसमें से बिहार का नाम भी जोरों शोरों से सुनने में आ रहा है। वहीं बिहार में हाल ही में एक ऐसा मामला सुनने में आया जिसने कोरोना की परीक्षा को पास कर लिया है। खबरों की माने तो NMCH में पेशे से नर्स कई दिनों से भर्ती थी, जहां उन्होंने इलाज के बाद इस परीक्षा को पास कर लिया है, जिसकी जानकारी NMCH के डॉक्टर्स ने ही जारी की है। हालांकि उन्हें अभी भी 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने इंडिया एशिया पोस्ट के सर्वे में किया टॉप। इंडिया एशिया पोस्ट ने हाल ही में अपना सर्वे जारी किया है, जिसमें बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में फेम इंडिया एशिया पोस्ट द्वारा IPS अधिकारियों के कामकाज को लेकर 25 उत्कृष्ट IPS 2020 के तहत सर्वे किया गया था। खबरों की माने तो किए गए सर्वे में 9 मापदंडों के आधार मान करके किया गया था, जिसमें बिहार के DGP को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार में दूध की खपत में हुई कमी। कोरोना के बढ़ते असर के बीच यहां सरकार आम नागरिकों की हर सुविधा को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत यह बात सामने आई है कि बिहार में दूध की खपत में कमी आई है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए लोगों ने पैकेट वाले दूध को लेना बंद कर दिया है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल बिहार में दूध की कोई कमी नहीं है। प्रशांत किशोर ने बीते दिन से शुरू की सबकी रसोई कार्यक्रम। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में कोरोना की बढ़ती स्थिति को देखते हुए कमजोर तबके के लोगों के लिए सबकी रसोई नामक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे कि 5 अप्रैल से समाज सबसे जरूरतमंद लोगों के एक बड़े तबके को हर रोज खाना खिलाया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी करके दे दी थी। जमालपुर रेलखंड कारखाने ने कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए बनाया वेंटिलेटर। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार के जमालपुर रेल कारखाने में वेंटिलेटर बनाया गया है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला रेलखंड बन गया है। सबसे खास बात यह है कि इस वेंटिलेटर को बनाने में केवल 10,000 रुपये का खर्चा है, जिसकी जानकारी पूर्व रेल के महाप्रबंधक और रेल मंत्रालय ने दी है। वर्तमान समय में कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए वेंटिलेटर की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। दूसरे राज्यों से लौटने वाले सभी लोगों के लिए बिहार पुलिस ने सेल्फ डिक्लेरेशन का किया ऐलान। कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि बिहार में भी लगातार कोरोना के स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस ने अब दूसरे राज्यों से लौटे सभी लोगों से सेल्फ डिक्लेरेशन लेने का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत दूसरे राज्यों से लौटे सभी लोगों को खुद को इस बात की जानकारी देनी होगी कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। ज्ञात हो, बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों के साथ ही विदेश से आए सभी नागरिकों की दोबारा जाँच करने की पहल तेज की है। पश्चिम चंपारण में 232 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। कोरोना के इस बढ़ते असर के बीच पश्चिम चंपारण में 232 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। हालांकि पहले से ही यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया था, मगर अब एक दूसरे भवन में 132 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया, ताकि आने वाले किसी भी परिस्थिति के लिए पहले से ही पश्चिम चंपारण को तैयार रखा जाए। यहां पर प्रशासन ने तमाम तरह की सुविधाएं भी मुहैया करवा दी है। पटना के मस्जिद में छिपे थे 18 नेपाली नागरिक हाल ही में पटना के एक मस्जिद में पाए गए हैं। खबरों की माने तो यह नेपाली बहादुरपुर के अजीमाबाद स्थित एक मस्जिद में छिपे थे, जिसकी जानकारी पटना के DM कुमार रवि को हाल ही में मिली थी, जिसके बाद DM के निर्देश पर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और चिकित्सा दल मस्जिद पहुंचा, जिसके बाद उन सबको आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया गया है। इतना ही नहीं, सबके ऊपर नजर बनाए रखने के लिए सरकार ने अधिकारियों को भी तैनात कर दिया है। पटना एम्स से अब घर बैठे बैठे ले सकते हैं डॉक्टरों की सलाह। सभी आम नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए, साथ ही कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए पटना एम्स ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत पटना एम्स में अब घर बैठे बैठे सभी आम नागरिक अस्पताल में कॉल करके विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले सकेंगे। जिसके तहत बीते दिन कई लोगों के कॉल भी आए, जिनमें से अधिकतर लोग कोरोना के संबंध में जानकारी लेते हुए दिखाई दिए। इससे बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी लेते देखे गए। खबरों की माने तो एम्स में इस सुविधा के तहत बक्सर, बेतिया, दानापुर, फतवा, पटना सिटी, छपरा से सबसे ज्यादा फोन कॉल आए हैं। अगर आपको भी कॉल करके डॉक्टर्स की सलाह लेनी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और नंबर है 6122451923।
बिहार में बीते रविवार पहुंचे 15,000 मास्क और किट। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बीते रविवार को बिहार सरकार को 15,000 मास्क और किट मुहैया करवा दिए गए हैं। कोरोना की स्थिति से देखते हुए थोड़ी मदद तो अभी मिली है केंद्र सरकार से, जिसकी जानकारी विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 पीपीई किट की डिमांड की थी, लेकिन अब तक मात्र 4,000 ही मिल पाए हैं। पटना और गया में रह गए अमेरिकी नागरिकों को बस में भेजा गया कोलकाता। बंद होने की वजह से बिहार में 30 अमेरिकी नागरिक रह गए थे, जिनमें से कुछ को गया में जबकि 3 लोग पटना में मौजूद थे, जिसके बाद इन सभी नागरिकों ने भारत में अमेरिकी दूतावास को इसकी जानकारी दी थी। वहीं जानकारी मिलते ही अमेरिकी नागरिकों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित कोलकाता पहुंचाने को कहा गया था। वहीं बीते दिन में स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया, जिसके तहत एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट को इस काम के लिए हायर किया गया था। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आइसोलेशन के समय में सही से पेश न आने वालों पर सख्त से सख्त कदम उठाने का दिया निर्देश। बिहार में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है, वहीं कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर लोग आइसोलेशन सेंटर में डाले जा रहे हैं, मगर वह प्रशासन के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ऐसे लोगों पर सख्ती से पेश आने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आइसोलेशन सेंटर में तमाशा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना की स्थिति में घर से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद कर रही है पटना पुलिस। कोरोना के बढ़ते असर के कारण कई लोग घरों में रहने पर मजबूर हो गए थे, वहीं कई ऐसे भी बुजुर्ग थे जो पटना में अकेले रहने पर मजबूर हो गए थे, जिनकी मदद के लिए अब पटना पुलिस आ गया है। इसके तहत पटना पुलिस ने हाल ही में 100 नंबर पर प्रावधान जारी किया है, उसको डायल करके कोई भी बुजुर्ग मदद मांग सकते हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत स्थानीय पुलिस चौकी से मदद भेजी जाएगी। पटना होकर यशवंतपुर से गोरखपुर के बीच चलेगी पार्सल स्पेशल ट्रेन, सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही आम नागरिकों की मदद के लिए पटना से यशवंतपुर से होते हुए गोरखपुर तक स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाई जाएगी। खबरों की माने तो 14 अप्रैल तक संपूर्ण रूप से बंद होने की वजह से आवश्यक वस्तुओं को ले जाने और लाने का यह कदम उठाया गया है। हालांकि रेलवे विभाग ने यह साफ कर दिया है कि पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन में किसी भी यात्री की यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं चलाए जा रहे स्पेशल ट्रेन को 2-2 ट्रिप में चलाया जाएगा। भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह प्रियंका भी साई सेवा दरबार की रसोई में पहुंची। कोरोना के बढ़ते असर के बीच लोगों की सहायता के लिए श्री साई सेवा दरबार के द्वारा राज पैलेस बैंकेट हॉल पटना में लगातार 7 दिनों से कम्युनिटी किचन का आयोजन करवाया जा रहा है, जहां पर हर दिन 500 फूड पैकेट तैयार करके श्री साई सेवा दरबार के कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। जिसके तहत हाल ही में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह प्रियंका भी साई दरबार की रसोई में पहुंची, जहां पर उन्होंने पहुंचकर लोगों की सेवा के लिए खाने का पैकेट तैयार किया। ECR में 268 रेल कोचों को आइसोलेशन वार्ड बनाने का किया गया ऐलान। कोरोना वर्तमान समय में पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं भारत में भी लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने अपनी तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया है, जिसके तहत पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना के बढ़ते दायरे को देखते हुए 208 के बदले अब 268 यात्री कोचों का आइसोलेशन वार्ड में बदलने का ऐलान जारी किया है। वहीं कोच के अंदर कोरोना से प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराए जाने वाले बेडों की संख्या भी पहले से दुगनी की जा रही है। राजद नेता ने कविता के जरिए कोरोना को भगाने के लिए सरकार को दी नसीहत। भारत में कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देखते ही देखते आज भारत में कोरोना से प्रभावित लोगों का आंकड़ा 3300 के पार पहुंच चुका है, जिसको देखते हुए अब राजद प्रमुख लालू यादव ने एक कविता के जरिए सरकार को सलाह दी है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि गरीबों को पर्याप्त भोजन मिले, डॉक्टर नर्सों को पर्याप्त संसाधन मिले, करोड़ों नागरिकों को भरोसा मिले, प्रवासियों को परिवहन मिले, व्यापारियों को राहत पैकेज मिले, रोशनी तब हो जब सबको राशन मिले। बंद में फंसे दिल्ली के साथ दोस्तों के लिए मसीहा बने बिहारी। कोरोना के कारण अचानक से बंद के ऐलान के बाद कई सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग प्रदेशों में ही रह गए थे, वहीं दूसरे प्रदेशों से पलायन करके बिहार के अलग अलग जिलों में मजदूर भी वापस पहुंचे थे। वहीं इन सबके बीच बिहार के कटिहार जिले में अलग अलग राज्यों से आए शिक्षक बंद के दौरान फंस गए थे, जिसके बाद इन लोगों को वहां के स्थानीय लोगों ने खाने से लेकर रहने तक की सुविधा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को लगा दी क्लास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना की इस बढ़ती स्थिति में आम नागरिकों तक सुविधाओं को नहीं पहुंचाने को लेकर अपने अधिकारियों की क्लास लगा दी है। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही बिहार के बाहर रह रहे लोगों के खाते में 1,000 की राशि जमा करवाने का ऐलान किया था, मगर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों की क्लास लगा दी है। साथ ही इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पेंडिंग राशन कार्ड के आवेदनों को भी पुनः समीक्षा करने की अपील की है। बिहार को मिले पीपीई और मास्क पर लव अग्रवाल ने दिया अपना बयान। बिहार को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 15,000 पीपीई का एक खेप दिया गया है, जिस पर अब लव अग्रवाल ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत लव अग्रवाल ने कहा है कि हमने इस बारे में अपना पक्ष उनके सामने रखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र के पास जो भी पीपीई मौजूद थे उसे राज्यों को दे दिया गया है, राज्य में कोरोना के मामलों के हिसाब से इसे दिया गया है। वर्तमान समय में हम इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस राज्य के मामले ज्यादा हैं उन्हें पीपीई की ज्यादा मात्रा में मुहैया करवाया जाना ज्यादा जरूरी है। ज्ञात हो कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार ने
5 लाख तक पीपीई किट की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगजीवन राम को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले कांग्रेस पार्टी के जगजीवन राम को श्रद्धांजलि दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए यह श्रद्धांजलि दी है, जिसके तहत उन्होंने लिखा था कि पूर्व कैबिनेट मंत्री को गरीबों और वंचितों के अधिकारों के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें याद किया। आज आपके जयंती पर आपको विनम्र श्रद्धांजलि। बंद के दौरान वीरेंद्र सहवाग करते दिखे गौ सेवा। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग बंद के दौरान खुलकर अपने खाली समय में गाय की सेवा करते देखे गए। इसकी जानकारी सहवाग ने बीते दिन अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट करके शेयर की थी, जिसमें वह गायों के बीच में खड़े हुए हैं और उन पर प्यार से हाथ फेर रहे हैं। वहीं सौरभ गांगुली ने जो पोस्ट शेयर किया है, उसमें भी उन्होंने लिखा है, गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। प्रियंका चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने बीते मंगलवार को अपने पति निक जोनास के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में भारत को जीत दिलाने के लिए पीएम केयर्स फंड में दान दिया है। इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए हर कदम की तारीफ भी की है, जो उन्होंने अभी तक भारत को कोरोना से बचाने के लिए उठाए हैं, जिसको रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रियंका चोपड़ा का धन्यवाद व्यक्त किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने हमारे सवालों का जवाब दिया है, उनके नाम है संजीव कुमार, अजय कुमार, पंकज कुमार यादव, शिवाशीष सिंह, सत्येंद्र प्रसाद, रवि कुमार, शुभम आर्य, फरहाद आलम, पीयूष सिंह, अदनान जमाल, लाइक स्टार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते रविवार को प्रकाश पर एकता दिखाने का समर्थन आपने कैसे किया, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।